हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अमावस की रात है, गहरी काली अंधियारी रात, जब पृथ्वी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर षड्यंत्र करती है आपको परेशान करने की, आपको बर्बाद करने की। और बेटा अपनी मैया से विनती करता है, अमावस के अंधेरे में मेरे कष्टों को निवार दो मैया। काला जादू, भूत प्रेत, दुर्भाग्य जो भी है मुझ पर उतार दो मैया, और झाड़ दो अपने आशीर्वाद से मुझको, अमावस के अंधेरे में मेरे कष्टों को निवार दो मैया। दोस्तों, काली रात्रि होती है और महाकाली की पूजा का भी विधान आता है, और पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। प्रारंभ हो रहा है 8:10 PM रात में 10 जनवरी को पौष माह की अमावस्या, और इसकी पूर्णता होगी 11 जनवरी को रात में 8:26 पर। तो इस साल पौष माह की अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। फिर सूर्य देव रात को 8:24 पर उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इसके अलावा 11 जनवरी को ही शनि का शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण भी चालू होने वाला है, तो बहुत सारी राशियों में बड़ा खूबसूरत असर भी करने वाला है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी, पर जान ले बहुत ही खास दिन है। इस दिन क्या करना चाहिए? पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन के बारे में बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी बड़ी सुंदर गुणवान संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है, यदि रोज जाकर उनकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन तुरंत दूर हो जाएगी। अगले दिन से वो रोज सुबह जल्दी उठकर कन्या जाती उनके घर, साफ सफाई करके आती, चुपचाप गुप्त रूप से करती। उस घर में रहने वाली ये स्त्री देखकर हैरान हो जाती है कि मेरे जागने से पहले मेरे घर की सफाई कौन करके चला जाता है। आखिर में उस स्त्री ने सोचा, चलो आज छुपकर देखती हूँ कौन आता है। तब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ऐसा कर रही है, तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही आशीर्वाद दिया उसके स्वयं के पति की मृत्यु हो गई। फिर उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। इस दिन पौष माह की अमावस्या थी और भगवान की कृपा से उसके पति फिर जीवित हो गए। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन आपको स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए। पौष माह को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है, और कनागत यानी सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले मुख्य पितृ पक्ष के अलावा इस माह में अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंड दान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो ये सभी का विशेष महत्व होता है और पितृ को मोक्ष दिलाता है। अर्यमा देवता पितरों के प्रमुख माने गए हैं, और इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, पितृगणों की पूजा करते हैं, तो वे आपसे प्रसन्न होकर आपके वंश हो, धन हो, आयु हो, बल हो, इसमें वृद्धि करते हैं। पौष अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर से कचरा बाहर कीजिए, साफ सफाई करिए। और अमावस्या की तिथि माता लक्ष्मी की भी तिथि मानी गई है। जैसे दीपावली आती है अमावस्या पर, इसी प्रकार से अमावस्या तिथि पर, कोई भी अमावस्या हो, इस पर आप माता लक्ष्मी के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं, आपके घर पर कोई भी हत्ता जोड़ी हो, कोई सियार सिंगी हो, कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं हो, श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, इनकी इस दिन आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप अपने घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए।
सूर्य देवता को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसा बोलते हुए सूर्य देवता को एक लोटा जल अर्पित कीजिए। दक्षिणमुखी हो जाइए और दक्षिणमुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त एक लोटा जल काले तिल डालकर आपको अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद आपको घर में लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए और पीपल की पूजा करने से इस दिन आपके सभी काम बन जाते हैं। बिगड़े से बिगड़े काम हो वो बन जाते हैं, बड़ा से बड़ा कर्ज हो वो उतर जाता है, अगर पैसों की धन की समस्या बहुत ज्यादा हो तो वो ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, पितृ दोष लगता है या पूर्वज आपके नाराज हो जाते हैं तो परिवार की तरक्की रुक जाती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आने लगती है। ऐसे में आप पौष अमावस्या के दिन अगर पीपल को जल में दूध डाल करके, चावल डाल करके, कच्चा दूध लेना है आपको, थोड़े चावल डाल लीजिए एक लोटे में, थोड़े काले तिल है ये मिला करके आप सींच लीजिए और पीपल के नीचे फिर तिल के तेल का दीपक कीजिए, चंदन से धूप कीजिए। सफेद चंदन आप इस दिन चढ़ा सकते, तिलक चढ़ा सकते, जनेऊ चढ़ाइए और सफेद ही तिल आपको चढ़ाने चाहिए, दूध चढ़ाएं और सफेद ही पुष्प चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और 108 बार वहीं बैठ करके आप वम वृक्षा कराए नमः शिवाय वम, क्या बोलेंगे, वम वृक्षा कराए नमः शिवाय वम, वम वृक्षा कराए नमः शिवाय वम, इस मंत्र का आप जप कीजिए। 108 बार जप करने के बाद उस दीपक के पास बैठकर आप चाहे तो पितृ सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। पितृ सूक्त का पाठ करने से नाराज जो पितृ होते हैं वो शांत होते हैं, आपके जीवन के दुखों का अंत होता है। अगर पितृ सूक्त का पाठ नहीं आता तो आप वहीं बैठ करके आप ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं और इस प्रकार से आप मंत्रों के जप करें। इसके अलावा आप चाहें तो रोज भी, आप पितृ सूक्त का पाठ आता है तो आप रोज कर सकते हैं। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और इसके बाद वहीं पे खड़े होकर के 3 मुट्ठी तिल, काले तिल लेकर के आपको वहां अर्पित करने चाहिए, किसी कटोरी में रखकर अर्पित कीजिए और फिर से आप अपनी हाथ जोड़ करके मनोकामना बोलें, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो, और अगर आपको पितृ दोष से मुक्ति चाहिए तो पितृ के निमित्त उस तिल को अर्पित कीजिए, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए, और फिर इन तिलों को आप गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन से कितने प्रकार के कष्ट इससे दूर होते, बड़े से बड़ा पितृ दोष है तो वो दूर हो जाता है। और ध्यान रखें जो दीपक आप जलाएंगे पीपल की पूजा करते वक्त, उसमें आप तिल के तेल का यूज करें और सफेद रंग की बाती यानी कि कलावे की बाती का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ी अमावस्या है और बहुत ही खूबसूरत सा उपाय है, बड़े से बड़े पितृ दोष से इस दिन मुक्ति मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पितृ दोष है जिसकी वजह से बाधाएं आ रही है, या आपके फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे कोई लोग भी हैं जिनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, तो उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दबुल सांचे दरबार की जय, पितृ देवता की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।